वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अहमद भाई बोल रहे हैं? मैं समझी भाई हैदराबादी वाले। मैं कौन बात कर रहा हूँ जी? शेख मैंने आपका एक मतलब वो वीडियो देखा था इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब पे, तो बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह आपका वीडियो। हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अब बोलिए, आ रही है जी। अहमद भाई बोल रहे हैं ना? आपको कौन चाहिए जी? जो इंटरनेट के ऊपर जिनके आते हैं बयान आते हैं, अहमद नक्शबंदी साहब। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, उनसे बात करनी है मुझे। अच्छा, अरे शेख वो आपका एक मतलब वो वीडियो देखा था पातिया के ऊपर, तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब कॉमेडी वीडियो था। तो खाली इतना हमें जानना था कि अल्लाह के नबी ने कभी फातिया दी है? तुम्हारे ऊपर दे देंगे फातिया, पढ़ो दो तो परेशान मत हो। हैं? आपके ऊपर फातिहा पढ़ देंगे, टेंशन मत लो ना। नहीं, हमारे ऊपर आप ना पढ़िएगा, ये तो बिदती काम, अपने बाबाओं के ऊपर आप पढ़िएगा ज्यादा सही है। आप खाली इतना बता दीजिए अल्लाह के नबी ने कभी फातिया दी है कि नहीं दी है? सुनो जी जी, मिल के बात करो बेटे बाबा। अरे मिल के आप कहाँ मिलते हैं भाई? आप YouTube पे लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं तकरीर में अपनी, आमने सामने कब मिलेंगे आप? अरे गाली मत दीजिए शेख, काला जरा आत्मा आपके अंदर ना आए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, फारूक खान जी बोल रहा हूं। हाँ जी जी। हाँ अब बताइए सर, वो फोन कट गया था, बैलेंस खत्म हो गया था। हाँ बहरहाल मैं ये दो तीन चीजें बता चुका हूँ। मैंने समझ में आया माशाल्लाह आपकी बात, मतलब हमें अच्छी लगी। अच्छा अभी जो मतलब आपने ये बीच में कहा था कि मतलब ये मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद, तो मतलब ये क्या मैटर है? बात तो यहाँ इस्लाम की हो रही है ना यार। इतनी सारी बातें मोबाइल पर तो नहीं हो पाएंगी यार, मेरी तकलीर सुनिए, तकलीफ के ऊपर से समझ में आ जाएगा। नहीं तो तकलीफ तो दीन इस्लाम में है नहीं, और उसके ऊपर आपने मतलब किसने बोला अपना वो लेक्चर दे दिया? किसने बोला तकलीफ नहीं है? किसने बोला? अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने, सहाबा के अमल से कहीं भी साबित हो रहा है। सुनिए ना, अल्लाह नबी ने कहा बोला, एक हदीस सुना दीजिए मुझे। क्या चीज? कोई ऐसी हदीस सुनाइए कि रसूलुल्लाह ने कहा कि तकलीफ नहीं करना। नहीं तो तकलीफ के दीन इस्लाम में है ही नहीं, तो उसको ना करने की तरफ कहाँ से लाएंगे? नहीं तो ये बताइए कि ये अब केला है, अब कह देंगे नहीं केला भाई को ना खाने की हदीस दो, तो ये तो बात ही बेकार हो गई ना। नहीं तो तकलीफ अगर इस्लाम में नहीं है तो इत्तबा इस्लाम में, इत्तबा तकलीफ नहीं है। तो फिर ये इमाम इब्ने हजर अस्कलानी को शाफी क्यों लिखते हैं, इमाम गजाली को शाफी ये लोग क्यों लिखते हैं? और वो उनकी नस्बत है। नस्बत है ये किसने बोला आपको? वो शागिर्दी थी, वो शागिर्दी होती है, वो अलग चीज होती है, मुकल्लिद अलग चीज होता है। ठीक है, बाद में बात करेंगे, अभी मैं बिजी हूँ, अभी वो मोबाइल पे इतनी बात नहीं होगी, छोड़िए। अरे शेख थोड़ा सा बता दीजिए तकलीफ के बारे में। अभी मैं थोड़ा सा काम में हूँ, बाद में बात करते हैं, आप थोड़ा सा 10 बजे लगाइएगा। ठीक है, इंशाल्लाह रात को फोन करते हैं। ओके, आपका नेचर माशाल्लाह हमें बहुत सुना। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी जी, तो जितने मैंने देखे उसमें सबसे ज्यादा शरीफ और समझदार तुम ही हो, ये पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए वो तो आपका मतलब है, ठीक है। नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर तमीज है, तहजीब है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे और तुम जो है हक रास्ते को अपना लो, इसलिए कि आपके अंदर तमीज मौजूद है। बाकी सब बदतमीज किस्म के लोग होते हैं तो मैं दोबारा फोन करता नहीं, जैसा भी आपको खैरियत पूछने के लिए फोन किया ना मैंने। अच्छा नहीं, असल में खैर यार, तुम लड़के बहुत अच्छे हो, इसमें कोई शक नहीं है। जी शुक्रिया। मैं हकीकत में बता रहा हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत और जलाल की कसम खाते बता रहा हूँ, तुम बहुत बा अखलाक हो जी जी, और तुमने मतलब कोई बदतमीजी नहीं की मेरे साथ जी जी, और ये बात बहुत बुरी लगी। मैंने कहा चलो मैं खुद फोन करके बात करूँ आपसे, तो मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ, अल्लाह ताला आपको सही समझ दीन की अदा फरमाए और आप अल्लाह और रसूल के सही तरीके को फॉलो करें जी इंशाल्लाह।
काट रहे हैं बाबा। अरे फोन क्यों काट रहे हो तुम यार? भाई मैं नहीं काट रहा हूँ, कसम अल्लाह की खाते कह रहा हूँ, मैंने फोन नहीं काटा। अब आप मेरी बात सुनिए, अल्लाह के नबी से एक ही रात में मुझे नमाज साबित कर दीजिए, मैं 100 लोगों को साथ में लेके सुन्नी बरेलवी बनने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा ओपन चैलेंज है। अल्लाह के नबी ने एक ही रात में 20 रकात तरावी और 8 रकात तहज्जुद अगर ये पढ़ी हो तो आप मुझे साबित कर दो। अल्लाह के नबी ने एक ही रात में 20 रकात तरावी पढ़ी हो और उसके बाद उसी रात में 8 रकात तहज्जुद पढ़ी हो, एक ही रात में अल्लाह के नबी से दोनों नमाजें साबित कर दीजिए, मैं 100 लोगों को साथ में लेके बरेलवी बनने के लिए तैयार हूँ। कल ही बॉम्बे आऊंगा, आपके हाथों पे बैठ लूंगा। अरे मेरे भाई सुन ले यार, टेंशन मत ले। हाँ बताइए भाई, जल्दी टाव में आ रहे हैं। नहीं टाव में नहीं मेरे भाई, इंटरनेट चालू है तुम्हारा इंटरनेट चालू है? इंटरनेट हाँ इंटरनेट चालू है। मेरी 3 किताबें हैं, सिखाना जाएगा तहज्जुद और सलात में क्या फर्क है, उलमाए अहनाफ और रकाते तरावी, जरा इन 3 किताबों का मुताला करो तुम। आपका इंटरनेट चालू है? छोटी छोटी है। आपका इंटरनेट चालू है? हाँ मेरा चालू है अलहमदुलिल्लाह। हाँ ठीक है भाई, अबू जैद जमीर साहब का भाई वो कम से कम भाई जूतों के नंबर पे तो आप खुद रखे हुए हैं। अबू जैद जमीर का नंबर दो। हाँ चलिए रुकिए एक मिनट, मुझे व्हाट्सएप करो तुम, ठीक है? ठीक है अभी व्हाट्सएप कर रहे हैं, ठीक है? उनके यूट्यूब के ऊपर, हाँ उनके भाई वो यूट्यूब के ऊपर अरे बात कर लेना मेरे भाई, आप बात कर लेना, एक रात में साबित कर देना अल्लाह के नबी से भाई वो 2 रकात नमाज चल ले रहा है यार। हम टेंशन नहीं लेते हैं भाई, जब से पहले भी हुए तब से टेंशन लेना छोड़ दिया भाई। माँ फिर किस माँ बहन पे आरोप? क्या हुआ फूखा? अरे क्या हुआ सूफी साहब, फोन क्यों काट के भाग रहे हैं? हम बिजी हैं, हम जो है दवा खाने में, आप फोन तो फोन यार क्या फोन करते हैं दवा खाने में? कितनी दवा खाते हैं? खाना कम खाते हैं, दवा ज्यादा खाते हैं क्या? अरे यार मेरे सीने में जलन महसूस हो रही है, एसिडिटी हो गई यार। अरे तो क्यों इतना खा लेते हैं मेरे भाई, इतना मतलब भाई वो चोंगा पराठा हलवा क्यों मतलब इतना हो खेते हैं? नहीं यार मैं वो मलीदा टुकड़ा थोड़ा कम खाया कीजिए। अरे सीजन नहीं है यार, और खाया भी किया कीजिए तो नींबू पानी पी लिया कीजिए ना। नहीं तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम बहुत नाइस आदमी हो, सही बता रहा हूँ। नहीं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह है ही है भाई, अफू खान वो पर्सनैलिटी की जिसकी मतलब भाई वो हर इंसान तारीफ करता है, अल्लाह का शुक्र है। अब तुम इस वीडियो को भी आम करना कि सूफी कलीम ने मेरी तारीफ कर डाली। तो सूफी कलीम साहब ने तो बहुत पहले भाई अल्लाह की शान की भाई कसम खा के कहा था कि अफू खान तुम्हारी तरह कोई अच्छा इंसान नहीं है। अरे तो वो तारीफ नहीं कर रहा है माज अल्लाह। अच्छा ठीक है, वाली ऑडियो भेज देंगे। बड़े खबीस इंसान हो यार, तुमको उंगली क्या दी? खबीस क्या दी? उंगली नहीं दी मेरे भाई, आपने मेरी उंगली कर दी है। अगर आप उंगली देते तो कोई बात नहीं थी, आपने मेरी उंगली कर दी है। ठीक है तो उंगली करना छोड़ दीजिए, अपने काम से काम रखा कीजिए। ठीक है दो लोगों की लड़ाई में देखिए भाई, देखिए दो लोगों की लड़ाई में आपकी इख्तलाफ में ये शैतान वाला काम करना छोड़ दीजिए। ठीक है नदी मंजू मेरे भाई हैं, ठीक है मेरे भाई? सभी तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। तो क्या हो गया भाई, ये हम दोनों भाइयों का आपस में मजा रहे ना, आप क्यों इसमें हाथ डाल के मजा ले रहे हैं? तो शैतानी काम हो गया। अपने फोन से बात की ना, बाहर कैसे आई? अरे बाहर आ गई तो आ गई, उसमें क्या दिक्कत है? आई बाहर, उसमें आपको क्या दिक्कत है? आप भी तो ऑडियो बाहर कर देते हो, आप भी तो वीडियो बाहर कर देते हो। अभी इसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालेंगे। अरे तो डालो ना यूट्यूब पे डालो, तुम्हारे पास काम ही क्या है? कोई भी तुम्हें फोन करेगा बात करोगे नहीं, यूट्यूब की धमकी पहले दे दो कि डाल दो यूट्यूब पे। साथ हैं अब्बू खान अलवी, हम आपके साथ हैं। नहीं आप हमारे साथ में रहिए, अल्लाह हमारे साथ है और हम आपके साथ हैं, यही आपके लिए बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। जिस दिन हमने आपका साथ छोड़ दिया ना, कहीं के नहीं रहोगे भाई, हम साथ कर रहे हैं, हम इस दुखद घड़ी में आपके साथ हैं, समझे नहीं समझे? अरे तो साथ तो देना ही पड़ेगा ना मेरे भाई, आप जानते हो कि अब्बू खान चाहिए तो साथ तो आप दोगे। अब अब्बू खान कह रहा है कि भाई रसूलुल्लाह ने कहा बुखारी की हदीस पे अमल करो। हाँ बेशक अल्लाह के नबी ने कहा कि जो मेरी सुन्नत है उसके ऊपर अमल करना हो, सबसे ज्यादा जो हदीस है भाई वो सही बुखारी के अंदर है, तो उसमें क्या दिक्कत है? इसके ऊपर इज्मा है, अहले इल्म का इज्मा है कि जो हदीस की सबसे बड़ी बुक है वो सही बुखारी है, तो इसमें मैंने कौन सा झूठ बोल दिया? किसी गैर मुकल्लिद मौलवी को हक नहीं है। सूफी कलीम रिज़वी साहब से एक सवाल।